प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं राजवंत सिंह मोहली दोस्तों आज का टॉपिक लोन के ऊपर है लोन लिखा है मैंने तो लोन कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए उसके ऊपर बात करने वाला हूँ यह नहीं है कि यह पहली वीडियो है आपने पहले भी देखी होंगी लेकिन कई बातें दिमाग से निकल जाती हैं या मेरे दिमाग में कई नई बातें आती हैं वो शेयर करने को आपका मन कर जा मेरा मन कर जाता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ वीडियो अंत तक बने रहे आपको वीडियो में कई बातें ऐसी मिलेंगी जो आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली हैं सो सबसे पहले मैंने मैरिज लोन लिखा भाई मैरिज लोन कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी पर नहीं लगता मैं जब बैंक में काम करता था तो हमारे पास जब बंदे लोन वाले आते थे तो हम उससे पूछते थे कि आपको लोन चाहिए तो किस लिए चाहिए तो वो जो आदमी कहता था मेरे को बे बेटे की मैरिज करनी है या बेटी की मैरिज करनी है या खुद की मैरिज करनी है बहन की मैरिज करनी है तो हम वहाँ पर डाउटफुल हो जाते थे कि ये पैसा वापस नहीं आएगा क्योंकि ये पैसा प्रोडक्टिव एक्टिविटी पर नहीं लगेगा यदि वो पैसा प्रोडक्टिव एक्टिविटी पर लग जाए तो डेफिनेटली वहाँ से आमदन होगी तो पैसा वापस आ सकता है बैंक का पैसा वापस आ सकता है यदि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी पर ना लग के कहीं ऐसी एक्टिविटी पर लग जाए जो बिल्कुल उसके बाद कुछ भी उसमें से कमाया नहीं जा सकता तो वो पैसा वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है सो so मैरिज पर जो मैरिज लोन है वो लेना खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि ये ज़्यादातर शो ऑफ के लिए ही किया जाता है पंजाब में मैरिज पैलेस का हाल ये है जो मैरिजेज होती हैं मैरिज पैलेस में दस दस लाख रुपया किराया है उसके ऊपर खाने का खर्चा है अलग और बहुत अलग ओवरहेड खर्चे हैं तो हम एक दिन में ही कितने कितने पैसे उड़ा देते हैं एक दिन में हमें खुशी मिलती है कि एक दिन हम किंग बन के घोड़ी के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं और वहाँ पर डांस हो रहा है तीस तीस चाली चालीस गाड़ियों की बारात जा रही है मतलब हम राजे की तरह फील करते दोस्तों ठीक है आप घोड़ी पर चढ़े हो घोड़े पर चढ़े हो राजे की तरह फीलिंग ले रहे हो लेकिन यदि आप लोन पर पैसा लेके ये मैरिज कर रहे हो तो आपको खोता बनकर इस लोन की इंस्टॉलमेंट उतारनी पड़ेगी यह आपने ध्यान रखना सो so, दोस्तों मैरिज लोन लेने से यदि बच सकते हो तो बचना है लड़की वाले को भी बचाना है अपने आप को भी बचना है सादे जो मैरिज है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि सादी मैरिज करोगे तो फिर डेफिनेटली आपका जो बच्चा के बसने के मतलब उसका घर लंबे समय तक गृहस्थी चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं मेरे एक जानकार ने अपनी बहू को मतलब एंगेजमेंट के ऊपर अपने बेटे का जब एंगेजमेंट करी अपनी बहू को बी कार दे के आया वो बी कार दे के आया था कि मैं मेरी जो मेरे घर की बहू है वो छोटी गाड़ी पर नहीं चलेगी स्विफ्ट पे नहीं चलेगी तो दोस्तों उसने बहुत पैसा लगाया था तकरीबन पौने दो करोड़ रुपया लगाया था लेकिन छः महीने बाद ही मैरिज टूट गई तो ऐसे पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है और यदि हम ऐसा पैसा लगाने से बच सकते हैं लड़की वाले को बचा सकते हैं आप बच सकते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती अगली बात कार लोन जब हमारे पास कहीं से पैसा आ जाता है चाहे ज़मीन बेच के आए चाहे कुछ और तरीके से आए या हमारी तीस चालीस हज़ार रुपये सैलरी हो जाए तो हमें कार याद आनी शुरू हो जाती है हमें ऐसा लगता है कि कार के बिना हमारा गुजारा नहीं कार हमारी ज़रूरत हमें महसूस होने लग होने लग जाती है कि कार हमारी जरूरत है तो ठीक है भाई जरूरत है तो ले ले सकते हो कार कार लो लेकिन ये नहीं कि लोन लेके कार ले लो और बड़ी कार ले लो अब प्रॉब्लम ये आती है मैंने 2006 में गाड़ी एक ली थी अपनी मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर लौरा तो वो तब मेरा ख्याल सोलह लाख रुपये की आई थी मोहाली में तकरीबन एक दो गाड़ियाँ थी उसके साथ की तो वो सोलह लाख रुपये की गाड़ी आई मैंने तीन या चार साल बाद जब बेची तो मेरे को पैंतीस हज़ार रुपये महीना उसका डेप्रीसीशन में मतलब नोट करने में आया पैंतीस हज़ार रुपये महीना मेरा उसने नुकसान कराया और तेल पानी का अलग वो अलग रह गए टायर खा गए वो अलग खा गए सो और कोई रिपेयर हुई वो अलग So, ये जो कारें आपका जो कार लोन ले लेते हो तो लोन की अमाउंट बढ़ती है यहां चली जाती है और कार की कीमत यहां आ जाती है सोलह लाख की कार ली और सवा सात साढ़े सात लाख की भी की थी तीन साल तीन साल में सो so, ये इस बात से भी बच रहे हैं ये ऐसा एक चमचमाती हुई चीज है जो हमें अच्छी तो बहुत लगती है लेकिन हमारी जेब को दीमक लग जाती है रॉबर्टिकी की यदि बात सुने तो वो हंड्रेड परसेंट यही कहता है कि वाप भाई जो कार लोन है ये आपको ईटिंग यू अलाइव आपको जीते जी खा रहा है घर के लिए भी उसने ये बोला कि घर का लोन है जो वो भी आपको जीते जी खा रहा है लेकिन कई बातों कई बार हमें ये बातें समझ में नहीं आती या हम उस लेवल तक नहीं सोचते जहाँ लेवल पर जिस लेवल पर जाके राइटर ने ये बात लिखी है हमें डेफिनेटली अपना लेवल भी बढ़ाना और यदि हम राइटर के साथ सहमत नहीं है तो भी कोई बात नहीं लेकिन उसकी बात सुन तो लेनी है यार क्योंकि उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी का तजर्बा उस किताब में लिखा हुआ है तो अगला मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर है मोबाइल फ़ोन जब आदमी के पास दो पैसे आते हैं फिर वो मोबाइल फ़ोन लेता है पहले तो फ़ोन की तो कोई बात नहीं फ़ोन तो लेना ही है फोन के बिना तो गुजारा है ही नहीं फोन आज की नीड है फ़ोन जो बीस हज़ार का चल सकता है या पंद्रह हज़ार का काम चल सकता है तो लोग डेढ़ डेढ़ लाख रुपए का फ़ोन लेते हैं मैं नेट पे सर्च किया एक दिन सत्तर परसेंट जो आईफोन है वो इंस्टॉलमेंट पर चले अब इंस्टॉलमेंट पर धड़ाधड़ चले इंस्टॉलमेंट का मतलब है आपकी सैलरी की या आपकी इनकम को फिर दिमक लगी इसका मतलब यू आर वर्किंग फॉर अदर्स फिर आपने लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया सो मैं ये कहता हूँ यदि एक, एक मोबाइल फोन की कीमत जो एक मोबाइल फोन की लाइफ है वो चार साल से ज्यादा नहीं है चार साल का मतलब है फोर्टी एट मंथ्स फोर्टी एट मंथ्स और कीमत यदि एक लाख पचास हजार हो और इसको पचास लाख पचास महीने मान लो तो इसका मतलब यह सीधे सीधे तौर पर यह होगा कि आपका मोबाइल फोन आपका तीन हजार रुपये महीने का रेकरिंग खर्चा है तीन हजार रुपये महीना रेकरिंग खाना ही खाना है उसने जो हमें पता ही नहीं जो ये हम हम नोट ही नहीं करते जो हम कैलकुलेट ही नहीं करते ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है यदि हम इस तरीके की कैलकुलेशन इस तरीके की जो ये तीन हज़ार रुपये महीना ये खा गया कुछ और चले गया कार की डेपोरेशन चलेगी जो आदमी तीस हज़ार रुपये चालीस हज़ार रुपये सैलरी ले रहा है तो वो जाके देखना उसके पास पल्ले क्या पड़ रहा है उसके कई बार हम नेगेटिव में चले जाते हैं नेगेटिव का मतलब हम लोन में जाना शुरू हो जाते हैं सो हमारे पास कैलकुलेशन होनी बहुत जरूरी है मैं अपनी ट्रेनिंगों में भी कहता हूँ बार बार कहता हूँ कि आपकी जेब में डेढ़ सौ रुपये का कैलकुलेटर जरूर होना चाहिए मोबाइल फ़ोन में कैलकुलेटर होता है ठीक है लेकिन मोबाइल फ़ोन वाला कैलकुलेटर आपको याद नहीं कराता यदि आपकी जेब में कैलकुलेटर होगा डेढ़ सौ रुपये वाला तो डेफिनेटली आपको याद कराएगा कि मैं किस लिए जेब में पढ़ाऊँ सो so, अगली जो बा अगला है क्रेडिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड सुबह फ़ोन आने शुरू होते हैं दोपहर को फोन आने शुरू हो जाते हैं और शाम को फिर फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं क्रेडिट कार्ड ले लो मतलब हमारा दिमाग ही हाईजैक हो जाता है दिमाग को हाई चेक कर लिया और क्रेडिट कार्ड हमने ले लिया जब क्रेडिट कार्ड की हमने पेमेंट करनी है पेमेंट करके फिर हमारे कर जो कई बार डिफ़ॉल्ट भी हो जाता है पेमेंट नहीं गई तो उनका क्रेडिट कार्ड का मैंने छत्तीस परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होते देखा ये छत्तीस परसेंट इंटरेस्ट छत्तीस परसेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है यार मतलब मैं ये आगे होम लोन है मैंने 2006 में होम होम लोन लिया था 25 लाख रुपया और पाँच साल तक 25 लाख का 25 लाख ही खड़ा रहा जबकि मेरा लोन था 10 या 11 परसेंट के ऊपर था तो 11 परसेंट ब्याज होते हुए भी मैं पाँच साल में लोन अमाउंट का टस से मस नहीं हुआ उसका वहीं का वहीं खड़ा रहा क्योंकि पच्चीस हज़ार रुपये महीने का मतलब है तो पच्ची प, मतलब पच्चीस लाख का मतलब है यदि ग्यारह परसेंट भी हो तो तकरीबन तकरीबन चौबीस हजार रुपये महीना ब्याज जाना तो चौबीस हजार रुपये महीना ब्याज जाके तो प्रिंसिपल तो एक हजार रुपये ही जा रहा था ना तो चार पाँच साल तक कोई तस से मस नहीं हुआ वहीं का वहीं खड़ा रहा तो फिर मतलब यदि बारह या ग्यारह वाला ब्याज उतारने में आपको पसीने आ गए तो छत्तीस वाला आपका क्या हल करेगा तो छत्तीस वाले जो ब्याज पर हम सी क्रेडिट कैश मतलब क्रेडिट कार्ड जो लेते हैं इससे बचने की कोशिश करनी है उनकी तो ड्यूटी है मैडमों को जो जिन मैडमों का फ़ोन आता है उनको तो सैलरी मिलती है इस बात के लिए कि जितने आप क्रेडिट कार्ड भेजोगी आपको इंसेंटिव मिलेगा सैलरी मिलेगी और, और भी कई कुछ देते हैं उसको लेकिन आप लोन ट्रैप में जरूर फंस जाते हो तो लोन ट्रैप से बचना है आपने यदि आपको ज़रूरत है डेफिनेटली जरूरत है तो फिर जरूर लेना है लोन बुरी चीज़ नहीं है यदि लोन को आप लेके अच्छे जगह पे यूज़ कर लोगे तो आपका लोन बहुत अच्छा रह सकता है आपको लेकिन यदि यो लोन की अमाउंट मिस यूज़ होगी तो ये फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकता है अगला फिर मैंने होम लोन है होम लोन अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है दोनों बातें क्योंकि लोग समझते हैं कि हमारे पास अपना घर तो होना ही चाहिए ठीक है घर के लिए लेना ले लो लेकिन ऐसी जगह पे या इतना ज़्यादा बड़ा घर नहीं बनाना यदि आपको लोन पर बनाना या आप पर पैसे फिर तो चाहे आप महल छत लो कोई दिक्कत नहीं है महल भी बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन यदि आपके पास पैसे नहीं है पैसे मतलब लोन पे लेके बनाने तो आपने गुजारे लायक घर बनाना है फिर बड़ा दिखावे में नहीं पड़ना ये जो जिंदगी ये ये जो मैं लिखे लोन लिखे ये सारे दिखावे वाले लोन हैं मैं आपको दिखावे वाले लोन से बचने के लिए सलाह दे रहा हूँ जहाँ लोन की ज़रूरत है वहाँ लेना ही है ठीक है यदि आप लोन को ले पैसा कमा सकते हो अच्छे तरीके से उसको पैसा लगा सकते हो तो फिर कोई बुरा नहीं है मैंने कई मतलब कई वीडियो में ये कहा है कि लोन लेके अमीर कैसे बनते हैं तो बनते भी हैं लोग लेकिन आपको ये मेरा निवेदन है कि आपने जो लोन है उसको मिसयूज़ नहीं करना यदि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी पर लग गया फिर तो आपका वो मनी है जो सर्वेंट बन गया मनी इज एक्सीलेंट सर्वेंट ए बेड मास्टर कहा जाता है ना तो फिर पैसा आपका नौकर बन गया और आपके लिए काम करना शुरू कर दिया यदि उसने यदि आपने उसको अपना मालिक बना लिया तो फिर वो आपको परेशान करेगा ही करेगा दो करोड़ छः लाख रुपये की किसी बंदे ने दो नौ दो हजार आठ ये बनूड़ के पास गाँव है इसका का जमीन बेची थी और इसने अपने पास जैसे पैसा आया अपने गांव में सात फुट या आठ फुट गली के ऊपर घर बना लिया जिसके ऊपर सवा करोड़ रुपया बता रहा था लगाए सवा करोड़ रुपया तो यहाँ पर लग गया जो ज़मीन का पैसा था जहाँ से उसको आमदन होती थी वो बंद करके उसने क्या चीज़ ख़रीद ली जो जो हमारे लिए लाइबिलिटी साबित होगी तो लाइबिलिटी साबित हो गई दो नौ दो हज़ार आठ को सवा करोड़ वहाँ लगा दिया बाकी कोई इधर चले गए उधर चले गए दो करोड़ छः लाख रुपया मतलब उसका सारे का सारा ही उसने बर्बाद कर लिया और लोगों को ब्लेम करता फिर रहा है कि मेरा पैसा फलाना बंदा खा गया मेरा पैसा फलाना बंदा खा गया भाई मिसमैनेजमेंट तो आप करते हो अंधेरी में अंधेरी आती है तो वो पौधे सबसे जल्दी उखड़ जाते हैं जिनकी जड़ें मजबूत नहीं होती और जिनकी जड़ें मजबूत नहीं होती वही दूसरे को ब्लेम गेम करते हैं फिर वो दूसरे बंदे को ब्लेम भी वही करते हैं कि हमारे साथ ये हो गया हमारा रिश्तेदार खा गया हमारा दोस्त खा गया हमारा पार्टनर खा गया हमारे एम्प्लाई अच्छे नहीं थे ये बातें करते हैं लेकिन यदि हम बच के रहें तो कोई आपको खाने वाला नहीं है यदि आप में कैपेबिलिटी है तो सामने वाले बंदे को कन्विंस कर सकते हो तो कर सकते हो जब ऐसी गलतियाँ करोगे सात फुट गली के ऊपर सवा करोड़ डेढ़ करोड़ रुपया घर के ऊपर लगा दोगे तो आपकी समझदारी कहाँ है फिर बाकी फिर वो वही दूसरे खर्चे जो दूसरे खर्चे मतलब कहीं कभी बाई जा रहे हैं कभी बाई आ रहे हैं कार रख ली बड़ी ये रख लिया आज की डेट में कुछ भी नहीं है पल्ले सुशील कुमार के नाम तो हम बार 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 सुनते हैं कि उसको कौन बनेगा करोड़पति से पाँच करोड़ रुपया मिला था लेकिन आज कहाँ है फिर तो वही का वही पैसे की पैसा तो आया लेकिन पैसे को मैनेज नहीं कर पाया भाई पैसा आ जाए आपके पास पैसे को मैनेज करके ही मनी इज एक्सीलेंट सर्वेंट ये कहा जाता है पैसा जो है वो आपका शानदार नौकर है कब जब आप उसको काम पे लगाते हो यदि आप उसको काम पे नहीं लगाते तो डेफिनेटली आपका मालिक बन जाता है और मालिक बन के इस तरीके से जैसे ये दो नौ दो हज़ार आठ को मिला था ये बिल्कुल आदमी मतलब पहले तो कारों में घूमता था आज मेरा ख्याल इसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है सो दोस्तों इन बातों से हमने बचना है होम लोन अच्छा है ले सकते हो लेकिन उतना ही लेना है जितना आपकी रिक्वायरमेंट है हाँ यदि आपने बिजनेस पर्पज से लेना है कोई बहुत बड़ा उस वो हम बना के कुछ बेचना चाहते हो कुछ को उस पर किराए पर देना चाहते हो कुछ और करना चाहते हो फिर आप इस पर इस तरफ जा सकते हो फिर ये आपका एसेट बन जाएगा लाइबिलिटी नहीं रहेगा सो दोस्तों आपने एसेट और लाइबिलिटी लोन अमाउंट की योग्यता और उप, जैसे हमने उपयोग करना है ये चीज़ का हमने ध्यान रखना है यदि हम ये चीज़ें ध्यान में रखने में कामयाब हो जाते हैं तो हम सामाजिक तौर पर भी मानसिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी हम बिल्कुल सही रहते हैं हमारा पीस ऑफ माइंड भी मेंटेन रहता है नहीं तो हम कहीं ना कहीं ऐसी दलदल में फंस जाते हैं कि हमें रात को नींद आने भी मुश्किल हो जाती है तो दोस्तों आज के लिए इतने वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना तो कर लेना नहीं करना तो भी आपकी मर्जी है मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ तब तक वीडियो में बने रहे चैनल के साथ बने रहे वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ इसके ऊपर चर्चा भी कर सकते हो क्योंकि ये ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा तब तक चैनल के साथ बने रहें सीखते जाएँ पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं थैंक यू वेरी मच